हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को 55,000 रुपीज से लेके 2,00,000 रुपीज के अंडर में कौन से बेस्ट लैपटॉप देखने को मिलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पे 15,000 से लेके 50,000 रुपीज तक कौन से बेस्ट लैपटॉप देखने को मिलते हैं उसको बताया था। यहाँ पे आपको दूसरा पार्ट देखने को मिल रहा है और आज की इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप बताऊंगे दोस्तों, उस सारे के सारे आपको गेमिंग लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन सारे लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप आपको आज देखने को मिल जाएंगे। तो कौन से वो लैपटॉप है उसको जानने के लिए इस वीडियो क्लास देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन से वो बेस्ट लैपटॉप है जो आपको 55,000 रुपीज से लेकर 2,00,000 रुपीज के अंडर में देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो 55,000 रुपीज पे बेस्ट लैपटॉप निकल के आता है वह है Asus की तरफ से Asus VivoBook। इस लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, आपको 15.6 इंच की फुल HD LED बैकलिट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 300 nits का ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में बहुत ही बढ़िया लैपटॉप देखने को मिल जाता है। जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, आपको 9th जनरेशन का इंटेल कोर i5 देखने को मिल जाता है जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है। प्रोसेसर यहाँ पे दोस्तों आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, क्वाड कोर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ में इसमें आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसमें बहुत अच्छे से गेमिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको 8GB का रैम, 512GB का SSD देखने को मिलता है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, लेकिन जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो आपको थोड़ा और बेहतर होता तो बढ़िया रहता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपको 60,000 रुपीज के अंडर में कौन सा बेस्ट लैपटॉप देखने को मिलता है, तो है लेनोवो की तरफ से लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। और इस लैपटॉप में दोस्तों आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 15.6 इंच की फुल HD प्लस LED बैकलिट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, 250 nits का ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपको 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये भी आपको क्वाड कोर ही प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ में भी आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो जब दोस्तों डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड रहता है तो उससे एक फायदा ये होता है कि उसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, अगर उसका प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है तो। और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको 8GB का रैम, 256GB का SSD और 1TB का हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लैपटॉप निकल के आता है दोस्तों, जिसमें आपको स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क तो देखने को मिलता ही, उसी के साथ में आपको SSD भी देखने को मिल जाता है और रैम भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको सारे बेसिक फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर वगैरह सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो आपको 65,000 रुपीज में बेस्ट लैपटॉप देखने को मिलता है वो लेनोवो की तरफ से है और वो है लेनोवो लीजियन 5। तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, आपको 15.6 इंच की फुल HD 120Hz रिफ्रेश रेट वाली LED बैकलिट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपको AMD Ryzen 5 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6 कोर प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले और प्रोसेसर के मामले में दोस्तों बहुत ही बढ़िया लैपटॉप देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप अच्छी खासी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको 8GB का रैम, 256GB का SSD और 1TB का हार्ड डिस्क भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया निकल के आता है अंडर 65,000 रुपीज में। इससे बेस्ट लैपटॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ इस लैपटॉप में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो आपको अंडर 70,000 रुपीज में बेस्ट लैपटॉप देखने को मिलता है, वो Acer की तरफ से है और वो है Acer Nitro 5। तो इस लैपटॉप में भी दोस्तों आपको 15.6 इंच की फुल HD LED बैकलिट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। और जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 देखने को मिल जाता है, जो कि 6 कोर प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जो कि 4GB का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ग्राफिक कार्ड भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है दोस्तों, इसमें आपको 8GB का रैम,
256 GB का SSD, 1 TB का हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर रैम और स्टोरेज भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो ये लैपटॉप भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज पे। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो आपको 75,000 रुपीज़ में बेस्ट लैपटॉप देखने को मिलता है, वो भी लेनोवो की तरफ से है और है लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। तो इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 250 nits का ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। और जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, आपको AMD Ryzen 7 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 8-core प्रोसेसर है। तो यहाँ पे प्रोसेसर आपको जबरदस्त देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है, आपको 8GB का रैम और 512GB का SSD देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे स्टोरेज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन जो इसका प्रोसेसर है आपको AMD Ryzen 7 देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग वगैरह करेंगे या वीडियो एडिटिंग करेंगे, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही स्मूथ यहाँ पे परफॉर्म करेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो आपको अंडर 80,000 रुपीज़ में बेस्ट लैपटॉप देखने को मिलता है, ASUS की तरफ से है और वो है ASUS ROG Strix G17। इस लैपटॉप में दोस्तों आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 17.3 इंच की फुल HD 144Hz रिफ्रेश रेट वाली यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 250 nits का ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपको AMD Ryzen 7 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 8-core प्रोसेसर है। उसी के साथ में इसमें भी आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ही देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है, आपको 8GB का रैम, 512GB का SSD देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इस लैपटॉप में आपको वेव कैम देखने को नहीं मिलता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, डुअल स्टीरियो स्पीकर, बैकलिट कीबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वेव कैम देखने को नहीं मिलता है, ना ही DVD ड्राइव देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आपको जो 90,000 रुपीज़ में बेस्ट लैपटॉप देखने को मिलता है, वो Acer की तरफ से है और वो है Acer Nitro 5। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, आपको 15.6 इंच की फुल HD 144Hz रिफ्रेश रेट वाली LED बैकलाइट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 250 nits का ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। और जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, आपको 11th जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर देखने को, 8-core प्रोसेसर है। और उसी के साथ में इसमें भी आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है, आपको 16GB का रैम देखने को मिल जाता है और 512GB का SSD और 1TB का हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पर रैम और स्टोरेज बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ इस लैपटॉप में बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपको जो अंडर 1,00,000 रुपीज़ में बेस्ट लैपटॉप देखने को मिलता है, वो डेल की तरफ से है और वो है डेल 15। तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो 15.6 इंच की फुल HD 120Hz रिफ्रेश रेट वाली LED बैकलिट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 250 nits का ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो आपको 10th जनरेशन का इंटेल कोर i7 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 8-core प्रोसेसर है। प्रोसेसर भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है, आपको 16GB का रैम और 512GB का SSD देखने को मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज कम देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर रैम आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड, DVD ड्राइव, वेब कैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर, वाईफाई, ब्लूटूथ, सारे बेसिक फीचर देखने को मिल जाते हैं। इस लैपटॉप को भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप अंडर 1,00,000 रुपीज़ में एक एप्पल का लैपटॉप लेना चाहते हो, तो आप एप्पल का मैकबुक एयर M1 देख सकते हो, वो भी आपको अंडर 1,00,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे चॉइस है कि एप्पल का ही लेना है, तो आप उसको ले सकते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों आपको जो अंडर 1,50,000 रुपीज़ में लैपटॉप देखने को मिलेंगे, तो इसमें भी दोस्तों मैं आपको दो लैपटॉप बताऊंगा। या दोस्तों एक एप्पल का होगा, एक यहाँ पे दूसरा लैपटॉप होगा। अगर आपको एप्पल का पसंद है तो एप्पल का लीजिए, नहीं तो आप दूसरा अगर पसंद करते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि उसका जो स्पेसिफिकेशन है बेस्ट है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि 1,50,000 रुपीज़ में सबसे ज्यादा जो लैपटॉप खरीदा जाता है वो एप्पल की तरफ से है और वो है एप्पल मैकबुक प्रो M1। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, आपको 13.3 इंच की QHD रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, आपको M1 चिप देखने को मिल जाता है, जो कि 8-core CPU 8-core GPU वाला चिपसेट है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्रोसेसर भी। इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है, आपको 8GB रैम, 512GB SSD देखने को मिल जाता है। वैसे भी दोस्तों जो एप्पल का मैकबुक होता है, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डिस्प्ले, प्रोसेसर, सारी चीजें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म भी करता है। उसके बाद दोस्तों जो आपको 1,50,000 में दूसरा लैपटॉप यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा, वो है ASUS की तरफ से ASUS ROG Zephyros G14।
इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, लेकिन आपको क्यू एच डी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है और 215 निट्स का ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में दोस्तों बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है क्योंकि क्यू एच डी डिस्प्ले देखने को मिलती है। और जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों आपको AMD का राइजन 9 देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको 6 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको ग्राफिक कार्ड भी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है आपको 16 GB का रैम और 1 TB का SSD देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रैम और स्टोरेज भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। ये लैपटॉप में दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है जिसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ, वेबकैम सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मैंने इस लैपटॉप को यहाँ पे अंडर 1,50,000 रुपीज में सजेस्ट किया है। अगर आप एप्पल का लैपटॉप नहीं लेना चाहते हैं तब आप इसको देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगर आप अंडर 2 लाख रुपीज में बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं तब आपको एक ही लैपटॉप यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, वो है एप्पल का जो अभी लेटेस्ट में आया है एप्पल मैकबुक प्रो M1 Pro। इसमें आपको डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, प्रोसेसर भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो अंडर 2 लाख रुपीज़ में मैं इसी लैपटॉप को सजेस्ट करूंगा क्योंकि इससे बेस्ट आपको कोई भी लैपटॉप देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।